नागौर लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण इधर उधर बिखरते नजर आ रहे हैं। जी हां, भाजपा का मूल वोट बैंक माने जाने वाला राजपूत समाज ने एनडीए प्रत्याशी एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल को समर्थन नहीं देने का ऐलान कर दिया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने बुधवार को मकराना के विजय पैलेस में एक प्रेस वार्ता के दौरान यह ऐलान किया है। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस व्यक्ति का कोई भी वर्चस्व नहीं है, ये आज भाजपा से गठबंधन करके एनडीए प्रत्याशी बना है, लेकिन जीतने के बाद क्या भरोसा ये कांग्रेस में शामिल हो जाए। उन्होंने कहा कि इस नेता ने दो समाजों को सांवराद में लड़ाकर पूरे गांव में आग लगवाई थी और सीकर दुल्हन अपहरण मामले में भी इसने भड़काने का काम किया था। ऐसा है 200 व्यक्ति और 10-15 नेता ये तय नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी रही होगी क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनकी मजबूरी रही होगी कि दारिया इनकाउंटर में इसी व्यक्ति ने फंसाया इन लोगों राजेंद्र राठौड़ को, फिर भी वो उनके साथ लगे हुए, उनकी क्या मजबूरी है वो जाने, गजेंद्र सिंह जी खींवसर की क्या मजबूरी है वो जाने, हमारे और जो भी एमएलए हैं उनकी क्या मजबूरी है वो पार्टी लाइन पे वो देखें, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं आम राजपूत हूं, मैं आम मतदाता हूं, मैं नागौर का 36 कौम का वह व्यक्ति हूं जो मेरे हर एक व्यक्ति, हर एक जाति और हर एक उम्र के व्यक्ति को मैं बता सकूं कि ये गलत हो रहा है। गलत के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आप भी